ऐसे चुनौतीपूर्ण और भागदौड़ भरे माहौल में टेंशन होना काफी आम बात हो गई है, मगर टेंशन जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है जो कि मैनेज किया जा सकता है। इसी वजह से कुछ लोग टेंशन होने के बाद भी लाइफ स्टाइल को खुशहाल तरीके से जीते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने लगते हैं, फिर उस टेंशन के बारे में सोच सोच कर स्ट्रेस यानी तनाव ले लेते हैं। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं, तो आपको इन बीमारियों का खतरा हो सकता है। ज्यादा टेंशन लेना सीधा आपके शरीर और दिमाग पर असर डालता है, जिस कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आपको बीमारियां घेर सकती हैं। नंबर 1, मोटापा। जब शरीर का फैट बढ़ने लगता है तो मोटापा बन जाता है, लेकिन इसका संबंध टेंशन से भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेने से दिमाग कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का उत्पादन बढ़ा देता है, जो कि फैट जमा होने की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। नंबर 2, डायबिटीज। छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने से डायबिटीज का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि टेंशन में मरीज की खाने की आदत बदल सकती है और अनहेल्दी खाने का खतरा बन सकता है। लंबे समय तक ये अनहेल्दी खाना ब्लड शुगर का स्तर असंतुलित कर सकता है और डायबिटीज को विकसित कर सकता है। नंबर 3, दिल की बीमारी। ज्यादा टेंशन लेने से स्ट्रेस की समस्या हो सकती है। स्ट्रेस ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ा सकता है, जिससे दिल पर सीधा बुरा असर पड़ता है और दिल की बीमारी विकसित होने लगती है। नंबर 4, दिमाग की बीमारी। दिल की तरह टेंशन दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दिमाग तक जाने वाले रक्त को भी बाधित कर सकता है। नंबर 5, अस्थमा। अस्थमा भी उन बीमारियों में से एक है जो टेंशन या स्ट्रेस के कारण पैदा हो सकती है या बढ़ भी सकती है। ऐसा कई रिसर्च में देखा गया है कि टेंशन या स्ट्रेस अस्थमा के रोगियों को दिक्कत पैदा कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप टेंशन लीजिए, लेकिन जरा सोच समझ कर।